एक और नए से व्लॉग में। तो आज एक और नया दिन, एक और नई स्टोरी। आज मेरे लिए बहुत खास दिन है यार, क्योंकि आज हम लेने वाले अपनी पहली बाइक यानी स्कूटी आज लेने आए TVS की। TVS का शोरूम आ चुके हैं हम, और दिखाते हैं हम आपको इसका शोरूम जिसके आगे हम खड़े हैं। और ये है डुमरियागंज में, डुमरियागंज पता नहीं कौन सी, और वहाँ हमारी बाइक खड़ी है ये प्यारी सी TVS के शोरूम पे, बजाज की बाइक। और चलो अब अंदर चलते हैं। हाँ ये रहे हम अंदर आ गए, फ़ोटो वगैरह काम है तो जा रहे हैं खिंचाने फ़ोटो। और चलो बाइक ऑन करते हैं यार, काफ़ी देर में आए हैं और सही से व्लॉग भी नहीं बना पाए। और चलो मिलते हैं आगे आपसे, चलो इससे निकलते हैं भाई। ओके तो मिलते हैं आपसे जल्दी, शॉप आ गए हैं निकालने हैं और अंदर निकाल लें यार, बहुत थकान हो गई है। लेकिन खुशी भी है कि अपनी स्कूटी आने वाली है बढ़िया है। और आज तो हमारी बाइक निकल नहीं पाई, क्योंकि जब डिलीवरी लेने के टाइम पे एजेंसी बंद होने का टाइम आ गया था। तो हमने पेमेंट वगैरह कर दिया है सब, और हमें आज ये इन्होंने दे दिया है एक हेलमेट TVS का। और इस हेलमेट को दे दिया और कहा है कि कल सुबह 10:30 बजे हम लोग डिलीवरी ले सकते हैं आराम से। तो कल जाएंगे, कल डिलीवरी लेंगे, कल आपको सारे चीज़ बताएंगे, कितनी प्राइस की हमें पड़ी है हमारी इंटॉर्क वगैरह, और क्या है, कैसा है, क्या रिव्यू है इंटॉर्क का, ये सब आपको कल पता चलेगा। ओके शोरूम में है और ये हमारी बाइक रेडी हो रही है, देखिए ये क्या, और वहाँ पे सब क्लियर हो गया फाइल वगैरह। भाई लाइट जल गई है, इसका फील है ना चलाने का मस्त है यार, यानी न्यू में जो बात है वो कुछ नहीं है, एकदम मस्त फील है चलाने का। बिल्कुल आ चुके हैं, पूरा वीडियो नहीं बना पाए सही से, लेकिन अभी हम उसको करबला लाएँ, नज़र उज़र करवा दें ताकि अच्छे अच्छा सब रहे इंशाल्लाह। आगे की वीडियो आपको अभी मिलेगी, डिटेल अभी आपको बताते हैं आगे चल के। और यहाँ हमारी स्कूटी खड़ी है, आपको दिखाते हैं। तो गाइज़ अभी हम ले जा रहे हैं अपनी स्कूटी को, तो ऐसा रिव्यू वगैरह दे रहे हैं, एक अच्छी सन्नाटी जगह। इसके लाइट दे सकते हो आप, क्या नाम है, ये हाई बीम पे है अभी, देखिए ये लो, ये हाई बीम पे है, पहले लो बीम पे थी, देखिए ये लो बीम है और ये हाई बीम है, काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी है लाइट की। इसकी हाई बीम और लो बीम आपको दिखाते हैं, देखिए जो हम अभी इसको चला चुके हैं ये विजिबल हो रहा है, 49 किलोमीटर चला चुके हैं इसको, अभी 10:03 हो रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी बाइक है, ये देखिए पीछे भी इंडिकेटर चल रहे हैं। और आपको इसकी हम दिखाते हैं डिक्की, डिक्की में भी लाइट है, 1 सेकेंड देखिए, ये देखिए ये डिक्की में भी लाइट है। और यहाँ है इसका चार्जिंग पोर्ट, जो कि जैसा कि एजेंसी ने कहा ये फास्ट चार्जिंग है। और यहाँ इसका उस वो बैटरी पोर्ट है, और 20 लीटर की इसमें बूट स्पेस है। और हम आपको इसकी लाइट दिखाते हैं, 1 सेकेंड ये कुछ भाई, ये कुछ ऐसे हेलो राइडर करके ऑन होती है,
हेलो राइडर, ये अभी हम बिल्कुल अंधेरे में खड़े हैं कि आपको बिल्कुल विजिबिलिटी का इसका पता चल जाए। चलो लो वीम पे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये इसकी लो वीम है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी लो वीम ये है। अब इसको हम हाई वीम के पे करते हैं। ये इसकी हाई वीम है, ये लो वीम है, देखिए ये इसकी हाई वीम है। तो इसकी विजिबिलिटी जो है काफ़ी अच्छी है, रियर में जो पता चलेगी आपको काफ़ी अच्छी है। और ये हाई बीम और लो बीम जो है, लो बीम नीचे वाली, हाई बीम जब चलती है तो ऊपर वाली साथ में चलती है। ये इसके DRS यानी इंडिकेटर्स हैं, और जो अभी हज़ार लाइट भी इसमें मिलती है, जो कि हम यहाँ से कहीं ऑफ कर सकते हैं। देखिए हज़ार लाइट मिलती है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ब्लूटूथ। एंड इसमें जो है 2 लीटर 3 लीटर फ्यूल रखना पड़ेगा, अभी 3 लीटर से नीचे हो गया है इसलिए फ्यूल इम्पिटी दिखा रहा है। एंड इसमें मिलता है हमें टाइम एंड माइलेज मिलता है, ऑडो मिलता है, और इसमें मिलते हैं हमें 3 मोड मिलते हैं, जैसे कि हम दिखाते हैं आपको कौन से। पहला मोड है स्पोर्ट मोड, फिर है राइडर स्टार्ट लास्ट लैप, और फिर है ये स्पोर्ट राइडर स्टार्ट स्ट्रीट मोड। 3 मोड इसमें मिलते हैं हमें, और ये देखने में कुछ रात में ऐसे दिखती है पीछे से, काफ़ी अच्छा लुक आता है। ओके, तो अब आपको सुबह पूरा इसका डिटेल में रिव्यू देंगे हम, सुबह उनका वेट करिए। ओके।